अगर मल द्वार के आसपास कहीं दर्द होता है, जलन होता है, खुजली होता है, रक्त आता है जब मल त्याग करते हैं तो, या फिर मल त्याग के बाद, या फिर आप लोगों को डेली ऐसी समस्या बनी रहती है, तो आपको मोस्टली फिशर इन एनो के सिम्टम्स है, जिसमें कि आज कारण के बारे में बात करूंगा क्यों होता है। जिन लोगों को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, लंबे अरसे से कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनको ये समस्या ज्यादा देखने मिलती है। क्यों देखने मिलती है? जब मल टाइट होता है या फिर हार्ड होता है, तो इसी में एनल कैनाल से पास होता है और ये कहीं पे एनल वर्ज के आसपास चीरा मार देता है। चीरा मतलब एक प्रकार का लॉन्गिट्यूडनल कट हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे अल्सर फॉर्म हो जाता है, जिसको फिशर एनो कहते हैं। और दूसरा कारण क्या होता है कि लिक्विड डाइट लो होती है, मतलब आपने तरल पदार्थ कम लिए हैं, आपने सूखी चीज ज्यादा खा ली है, तो होगा क्या, जब आप लो लिक्विड डाइट लेंगे तो आपके जो आंतों में पानी की एब्जॉर्प्शन की जो क्षमता होती है, और बड़ा एक तो जो आप खाते हैं वो आंतों का काम होता है पानी को एब्जॉर्ब कर लेना, और भी मिनरल्स विटामिन्स को एब्जॉर्ब करती हैं। साथ में जब आप लो अमाउंट में वाटर इंटेक करते हैं तो क्या होता है, पानी आपका वैसे भी आंत में कम है और मल में जो पानी बचा हुआ था तो और भी आंतें सोख लेती हैं, तो आपका मल टाइट हो जाता है। तो लो लिक्विड डाइट इंटेक के कारण भी होता है। एनल कैनाल इस पास, जब आपका मल द्वार छोटा हो जाता है, गुदा द्वार छोटा हो जाता है, तो कोई भी चीज पास होती है तो क्या होता है, वहां पे चीरा लगने की संभावना। अगर एक बार चीरा हो गया तो बार बार उसी पे ठोकर मार के परमानेंट चीरा बनाते रहता है। ये होता क्यों है, मतलब छोटा क्यों जाता है, ये मोस्टली इसी वजह से, एक बार अगर चीरा लग जाता है तो बार बार आपका घाव रहता है, टेंडेंसी रहती है, उसी कारण आपके एनल स्पास, घाव बचाने के चक्कर में ये दोनों स्फिंक्टर्स रहते हैं स्पास में सुकुड़ते चले जाते हैं, ऐसे समस्या आ जाती है। दूसरा कारण की बात करूँ और लास्ट कारण की बात करूँ तो चौथा कारण कास्ट की बात करूँ, लॉन्ग टाइमिंग सिटिंग पोजिशन, लंबे समय से आप बैठा करते हैं, आप बैठ गए तो बैठे हैं 4-5 घंटे, तो वहाँ की ब्लड सप्लाई, अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं गुदा तो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, अगर हाथ को ऐसे पकड़ लें तो वहां की आगे की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, तो वहां की वॉल जो होती है, जो आपकी म्यूकोसल एयर होती है, ब्लड सप्लाई कम होने के कारण वहां जब आप मल त्याग के लिए जाते हैं तो तुरंत वहां पे अल्सरेट फॉर्म, चीरा लगने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई कम थी, वहां की स्किन की मजबूती कम हो जाती है। तो और लास्ट कारण की बात करें कि सिडेटरी लाइफ, जो लोग ऐसे पड़े रहते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते, सिडेटरी लाइफ रहते हैं, बैठे तो बैठे रहते हैं, तो लगभग ये दोनों एक ही कास हैं। तो यही जानकारी फिशर इन एनो के कास के बारे में जानकारी अच्छी लगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नई वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।